आपको दुख होगा, और दुख होना चाहिए आपको, क्योंकि जो नूह मेवात में हुआ वो एक ऐसा प्रयास था नूह में कि हिंदुओं को घेर कर हिंद मारना, शाम 4:30 बजे से पूरा अरावली की पहाड़ियों को घेर लिया गया मलेच्छों द्वारा। और मैं कहूंगा मिंटू यहाँ पर एक वीडियो भी दिया है, वो आपको हल्का दिखा देगा। ये देखो भाई, फायरिंग होते हुए ये पहाड़ों बैठे भाई फायरिंग कर रहे दबा दो। अपने बालक दो देख रहे हैं ना, वो लेडीज ले जा रहे हैं, देखो ये देखो भाई फायरिंग। चारों तरफ से पहाड़ियों को घेर के गोलीबारी की गई और शाम का इंतजार किया गया ताकि महिलाओं के साथ दुष्कर्म भी दुर्व्यवहार किया जा सके। मरे हिंदू, अगर आप देखेंगे इसमें तो 5 लोग इसमें मरे हैं। मैं आपको बताऊं, 5 लोग मरे हैं इस पूरे मामले में, और एक और मरने की सूचना भी आ रही है जो आज हमारे टीम ने लिखा है, प्रदीप शर्मा, यानी 6 लोग मारे जा चुके हैं इसमें। प्रदीप शर्मा ये भी बजरंग दल के थे, ये छठा व्यक्ति है जो मेवात दंगे में मारे जा चुके हैं। अभिषेक राजपूत वो भी बजरंग दल के थे, शक्ति एक साधारण से आम इंसान थे, नीरज और मारे जा चुके हैं, गुरसेवक सिख होमगार्ड जवान थे वो मारे जा चुके, और नीरज भी उन्हीं के साथ काम करते थे, और एक मुस्लिम पक्ष का मोहम्मद साद गुरुग्राम में मारा गया। टोटल 6 लोग मरे हैं। और हिंदू जलाभिषेक यात्रा पर ये जो हमला हुआ था उसमें 2 होमगार्ड सहित मिठाई बनाने वाले शक्ति सैनी और बजरंग दल के 2 कार्यकर्ता अभिषेक राजपूत और प्रदीप की हत्या कर दी गई है। और इसमें प्रदीप नलर मंदिर के पास हुए हमले में सुरक्षित बचकर नूह पुलिस लाइन तक लाए गए थे, घायल हो गए थे, और उनको घर जाने के दौरान उनको भीड़ ने घेर कर मार डाला। वो पुलिस लाइन तक सुरक्षित हो गए थे लेकिन घर जाने के दौरान घेर कर मारा गया, यानी सुनियोजित संगठित ये पूरा खेल दिख रहा है पूरी तरह से। आप मैं आगे जो बताऊंगा आपको आश्चर्य होगा। और उस समय कपिल त्यागी नाम के व्यक्ति थे, उन्हें भी काफी चोट आई है, और कपिल ने कहा कि वो और प्रदीप पुलिस द्वारा नरहर मंदिर से नूह की पुलिस लाइन पर लाए गए थे सुरक्षित निकालकर। रात में काफी देर तक पुलिस लाइन में रखने के बाद सुबह होने से पहले रात के लगभग 2 से 3 बजे पुलिस ने उन्हें गुरुग्राम तक छोड़ने की बात कह कर साथ चलने को कहा। कपिल की कार स्विफ्ट डिजायर को प्रदीप ही चला रहे थे, पीछे हिंदू संगठनों से जुड़ी 3 महिलाएं भी बैठी थी जो इन दोनों के साथ साथ अपने घर के लिए रवाना हो रही थी। उनके वाहन के साथ हिंदू संगठन से जुड़े लोगों की एक और अर्टिगा गाड़ी चल रही थी। इन वाहनों के आगे आगे पुलिस की जिप्सी थी। थोड़ी दूर जाने के बाद सोना क्षेत्र में जिप्सी में मौजूद पुलिस वालों ने आगे रास्ता क्लियर होने की बात कहते हुए हिंदू संगठन के सदस्यों को बिना सुरक्षा के लिए कह दिया। तो आपको संलिप्तता दिख रही है, आपको अभी पुलिस की संलिप्तता हल्की दिखी कि उनको अकेला छोड़ दिया, आपको इंतजार कर रहा है, और आपको अभी आगे सरकार की संलिप्तता दिखेगी। आपको कपिल के मुताबिक वो चाहते थे पुलिस और आगे तक चले उनके साथ, लेकिन जवाब में उन्हें सीमा क्षेत्र का हवाला दिया गया कि अब हम नहीं जा सकते, और जिस सड़क पर उन्हें जाना था वो काफी सुनसान थी। पुलिस के बिना वो थोड़ी दूर ही चले थे कि एक अपरिचित स्कॉर्पियो तेजी से आगे से निकली, उनकी गाड़ी से 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ी। दोनों सड़क के दोनों तरफ मुस्लिमों को भीड़ दिखाई दे रही थी, 300 की संख्या में थे। भीड़ में बच्चे से लेकर बूढ़े महिलाएं सब थे उनके। हम लोग मानवीयता करते हैं पर उनकी महिलाएं बच्चे सब क्रूर हैं, वो उसी सोशलाइजेशन के पार्ट हैं। वो लोग पत्थरबाजी करने लगे, पत्थरबाजी में कार के शीशे टूटे, पीछे बैठी महिलाओं की चोटें आई, और पत्थर गाड़ी चला रहे प्रदीप के सिर में लगी और वे अचेत हो गए। उन्होंने महिलाओं को कार से उतरकर भागने को कहा। इस बीच वो खुद ही भीड़ के सामने आ गए। भीड़ में कुछ लोग उन्हें घसीटने लगे, कुछ लोग कार में मौजूद जो है लोगों को घसीटने लगे, और जो कुछ दूरी पड़े कि हिंदू संगठन की अर्टिगा चल रही थी उस पर भी पत्थर चले। जैसे तैसे वो लोग निकल के भागे। कपिल का कहना है कि निकल कर जो है आप
अर्टिगा थोड़ी दूर चौराहे पर पुलिस वालों को पीछे हो रहे हमले की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही तब पुलिस फिर से वापस आई। इसको देखकर भीड़ तितर बितर हुई। कपिल को भीड़ के चंगुल से बचाया गया। महिलाएं भी जो झाड़ियों आदि में छुपी थी उनको निकाला गया और हिंसक मुस्लिम वीर अपने साथ प्रदीप को घसीट ले गई। प्रदीप का इलाज सफदरजंग अस्पताल में हुआ जहां उनकी मौत हो गई। वो बागपत के रहने वाले हैं। यानी उस हमले के बाद लंबे समय तक योजना बना बना कर लोगों को मारा जाता। पुलिस वहां गई और पुलिस ने उनको आधे रास्ते में छोड़ दिया। अब आपको आश्चर्य होगा ये कि आपको केंद्र सरकार के एक मंत्री का बयान दिखाते हैं, केंद्रीय मंत्री का। यूनियन जो आपको ये जो है एमपी हैं गुड़गांव के और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं इंद्रजीत राव सिंह, इनको इनका बयान आप देखिए। और ये मरने वाले हिंदुओं को ही इस पूरे दंगे का दोषी बना रहे हैं। ये मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। उनके बयान है, किसान हथियार किसने हथियार दिए उन्हें इस प्रोसेशन में ले जाने के लिए, यानी जो हिंदू संगठन निकाल रहे थे उनके लिए ये कह रहे हैं। कोई तलवार लेके जाता है क्या प्रोसेशन में? लाठी डंडे लेके जाते हैं क्या? और सारा दोष इन्होंने मर दिया हिंदुओं पर ही। किसने? मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री ने। और इनका पूरी तरह से हिंदुओं पे दोष मढ़ा एक, उसके बाद हिंदुओं पे दूसरा दोष मढ़ा गया। डीजीपी पीके अग्रवाल देख रहे रोल ऑफ बजरंग दल मोनू मानेसर बीइंग प्रॉब्ड। अब बजरंग दल और मोनू मानेसर के रोल की वो जांच करेंगे। 41 एफआईआर रजिस्टर्ड इन नू में 41 एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल। यानी अब सारा दोष भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े संघ से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और ये इनके ट्रेन रहे हैं। और अब ये सरकार उनको टॉर्चर करके उधर मुसलमानों से वोट लेगी, इधर बीएचपी और बजरंग दल पे जब को दबाया जाएगा तो हिंदू इनको वोट करेगा। दोहरी फाग, लोग मरने में इनको दोनों हाथ में लड्डू मिलते हैं। तो ये उसके बाद आपको मनोहर लाल खट्टर का आपको एक बयान सुन दिखवाते हैं। सबकी सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती, साफ कह दिया। तो तुम्हें वोट किस लिए दी? किसी भी सरकार में हम अपनी लड़ाई खुद ही लड़ते हैं। कोई भी सरकार कानून व्यवस्था मजबूत करे ये उसको कोई आपसे पर्सनल सुरक्षा नहीं मांग रहा। कानून व्यवस्था यदि मजबूत करोगे तो लोग निर्भय होंगे और आतंकवादी अराजकता तो मलेच्छ टिड्डे डरेंगे। लेकिन आप तो मलेच्छ टिड्डों को इमाम को सैलरी देकर मजबूत कर रहे हो, वक्त प्रॉपर्टी देकर मजबूत कर रहे हो, जो दो वीडियो में मैंने दिखाया है आपको। और अब जब हिंदू मरे हैं तो कह रहे हैं सबकी सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती। तो हिंदुओं को भी ये कहना चाहिए कि तुम्हारी गुलामी हम नहीं कर सकते, तुम्हारे वोट देने के लिए हम ठेकेदारी नहीं है हमारी। जाओ जाकर पसमानदाओं से वोट मांगो, जाओ जाकर पसमानदाओं से वोट मांगो। उसके बाद आपको जो हरियाणा में जिनकी सरकार भाजपा की सरकार है और उसमें जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, जो भाजपा की सरकार में उप मुख्यमंत्री, उनकी आवाज भी सुन लीजिए। द यात्रा ऑर्गेनाइजर डिड नॉट गिव कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द यात्रा। उसमें भी अब दोषी हिंदुओं का है कि तुमने बिना इन्फॉर्मेशन के यात्रा निकाली, पूरा कंप्लीट यात्रा की इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी? हरियाणा का मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम सबको नहीं सुरक्षा देंगे। हरियाणा का उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये जो यात्रा निकाली उसकी कोई पूरी पूरी सूचना दी थी क्या? और मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि ये प्रोसेशन में लाठी डंडा लेके क्यों गए थे? यानी मरने वाले हिंदुओं को ही दोषी ठहरा रही है मोदी सरकार से लेकर खट्टर सरकार तक। और मारने वाले जो हरे टिड्डे हैं मलेच्छ, उनको पूरा क्लीन चिट दिया जा रहा है। यह है पासवानदाबाद, यह है पासवानदाबाद। मरे हिंदू, दोषी भी हिंदू। हरियाणा पुलिस से लेकर हरियाणा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्र के मंत्री तक। और मास्टर स्ट्रोकवादी सरकारी यूट्यूबर साहब को कहेंगे पासवानदा को मोदी जी घर वापसी करा रहे हैं। इससे पूछो कि इन पासवानदाओं पे तो तुम एफआईआर तक नहीं कर रहे हो जिन पासवानदाओं ने हिंदुओं को मारा। यानी पूरी तरह से हिंदुओं के विनाश का एक पर्व चल रहा है
जिसमें सरकारें लिप्त हैं, डबल इंजन सरकारें ज्यादा लिप्त हैं, मणिपुर, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा। हरियाणा में 31 साल बाद किसी ऐसा दंगा देखा, वो इनके शासन में देखा। और ये दंगा इसलिए क्योंकि इमाम मौलवियों को ये पावरफुल बना रहे हैं, सैलरी देकर 50% सैलरी बढ़ाकर, 5% प्रतिवर्ष सैलरी हाइक देकर, और वक्फ की प्रॉपर्टी, बड़े पैमाने पर वक्फ की प्रॉपर्टी पर उनको अधिकार देकर, जो आपको सारा दो दिन में बताया है। और दोषी इस हिंदू भवन हरियाणा में खुलेआम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री मोदी सरकार के सब जो है एक तरह से दोषी हिंदुओं को ठहरा। तो ये है आपकी भाजपा सरकार जिसकी चापलूसी में आप करते हैं दिन रात चार। इसलिए संभल जाइए, इनके बजरंग दल बीएचपी आदि के रैली में मत जाइए। रैली में जाके आप मरेंगे तो गोधरा की तरह जलेंगे तो कोई और राजा बनेगा, आप हरियाणा की तरह जलेंगे कोई और शासन में आएगा, आप मणिपुर की तरह मरेंगे किसी को और इंटरनेशनल वाहवाही मिलेगी कि कुकियों को खुला छूट दे रखा है। तो इन ना जाइए, और आपको कोई पूछने वाला नहीं, आपका कोई फैमिली के को मदद करने वाला नहीं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक दोष भी आप को देंगे। हरे टिड्डो को बचाएंगे तो हरे टिड्डो से वोट मिलेगा, और आपको बजरंग दल आदि जो है आपको उकसाएगी, बीएचपी आपको उकसाएगी, तो आप उनकी तरफ से फिर खड़े होंगे तो फिर उनको हिंदू वोट मिलेगा। और यही दोहरी नीति के तहत ये वोट पाते रहे हैं, और ये हिंदुओं के विनाश पर्व की कथा लिखते रहे हैं। हिंदुओं के विनाश पर्व की यह कथा पहली बार हरियाणा जैसे हिंदू बहुल क्षेत्र में लिखी गई, 31 साल बाद लिखी गई, और इसके लिए केंद्रीय मंत्री के अनुसार हिंदू दोषी है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के अनुसार हिंदू दोषी है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री के अनुसार हम सबको थोड़ी सुरक्षा दे सकते, कोई ठेका थोड़े है। तो ये स्थिति है, अब इस पे चिंतन मनन हिंदुओं को करना है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और कुछ व्यस्तता के कारण मैं आपको आज ये रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूं। आप सब प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए, कंटेंट का थोड़ा छोटा सा मूल्य चुकाइए, ताकि पत्रकारिता, इस मरे हुए दौर की पत्रकारिता में सही पत्रकारिता सांस लेती रहे। डिटेल आपके डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट और स्क्रीन पर है, और ज्वाइन बटन से चैनल को बचाए रखिए, और एकम सनातन भारत दल को सपोर्ट कीजिए अपने समय से, अपने श्रम से, और डोनेशन देकर एकम सनातन भारत .org पर आप जाकर हर महीने अपने सुविधा से कुछ न कुछ रकम डोनेट जरूर कीजिए। वो अपने जकात से इतना बड़े हो चुके हैं और बाकी विदेशी फंड से इतने बड़े हो चुके हैं, उसके मुकाबले हिंदू समाज के पास कोई फंड का बड़ा सोर्स नहीं है। हिंदू समाज अपनी क्राउड फंडिंग से ही यदि वो अपनी पार्टी खड़ी कर लेता है, तो हिंदू समाज इन सारे टिड्डों को एक तरफ करके पुनः सनातन भारत की प्रतिष्ठा कर पाएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।